जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। आज एक अनोखा ही उत्सव शंकराचार्य जयंती, इस उत्सव निमित्त इकट्ठे हुए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले सभी को विशेष रूप से नमस्कार। जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके इस महान आचार्य शंकराचार्य इनकी रचना कुछ पंक्तियां गाएंगे और इसके पश्चात इस आचार्य 32 वर्ष की उम्र में कैसे ही मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर कैसे उनका जीवन आज भी जिनका नाम लेते ही केरला से लेकर बद्रीनाथ तक उनकी चट्टी की आवाज कैसे काम किया होगा, उछलती कूदती हुई भक्ति, उसका चिंतन करेंगे। मेरे साथ गाते जाइए श्री कृष्णाष्टकम। ये आदि शंकराचार्य की रचना है, उनकी कुछ पंक्तियां भी गाएंगे साथ में। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूर मदनम्। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाष्टकम लोकप्रिय रचना है, अलंकार से भरे हुए एकांत में बैठे हुए इस महान आचार्य प्रभु का स्मरण करके कृष्ण को बुलाया हुआ है और उन मानस चित्रपट पर कृष्ण को देखकर उनके मुख से निकले हुए उद्गार, वही ये स्तोत्र है श्री कृष्णाष्टकम। ये बनाया हुआ स्तोत्र नहीं है, बना हुआ है, ये इसकी महानता, इसकी विशालता। शाब्दिक अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग है। तो प्रथम कुछ पंक्तियां गाकर शुरू करेंगे। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चित रंजनम सदैव नंदनम। सुपिच्च गुच्च मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम। विधूत
गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम। महेंद्र मान तारणम नमामि कृष्ण वारणम। कदंब सुन कुंडलम सुना सुचारु गंड मंडलम। व्रजांग नैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया। युतं सुखैक दायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं। आचार्य शंकराचार्य इनका जन्म 788 CE यानी कि 1234वां ये बर्थ एनिवर्सरी 32 साल की उम्र तक उन्होंने एक जीवन एक मार्गदर्शन और भक्ति का रहस्य, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ही मैसेंजर ऑफ गॉड प्रभु के भेजे हुए थे। उनका जन्म दक्षिण भारत में एक गांव में माता पिता ब्राह्मण परिवार निम्बुदीप्राद उस घर में उनका जन्म, एक छोटे से गांव में बहुत सुंदर नाम भी दिया हुआ है, वहां पर से जीवन यात्रा शुरू करके 8 साल की उम्र छोटा जीवन प्रसंग भी देख लें। बाल्य अवस्था से ही सन्यासी बनने की भीतर में विशेष आसक्ति रही थी और इतनी छोटी उम्र में बाल्यावस्था में वैसा होना ये विशिष्ट कुछ महापुरुष के लक्षण थे। 8 वर्ष की उम्र पर नदी किनारे गए हुए हैं, नदी किनारे जाकर उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और शंकराचार्य माँ को पुकारते हुए, माँ तू मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दे अन्यथा मुझे मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ेगा नहीं। और जैसे माँ का स्वभाव होता है तुरंत ही अनुमति दी है और शंकराचार्य वहीं से सन्यासी बनने की यात्रा 8 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गई है। शंकराचार्य का ट्रांसलेशन भी देखेंगे तो इस शब्द का भी बहुत सुंदर अर्थ है। शंकर शब्द का अर्थ गिवर ऑफ वेल्थ, शंकर कहते उसे वैभव, इनका नाम लेते ही वैभव, गिवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रभु के दूत थे ये, सामान्य व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति बनकर नहीं आए हुए थे। शंकर शब्द का दूसरा अर्थ शंकराचार्य, शंका अर्थ कल्याण, कर का अर्थ कर कल्याण कर। और भी एक सुंदर संस्कृत डिक्शनरी खोलेंगे तो अर्थ मिलेगा। आचार्य
आचार्य का ब्रेकअप देखेंगे, आर्य आचरण करने वाला, आचार्य और शिक्षक ये दोनों अलग अलग शब्द है, जिनका आचरण ही हमें बोध देता है वह आचार्य। इस ऊंचाई पर से इस महान आचार्य उसका आज बर्थ एनिवर्सरी के लिए हम चिंतन कर रहे हैं। शंकराचार्य की शुरुआत प्रथम उनके कुछ विशेष गुण पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज हमारी भारतीय संस्कृति में चार महान आचार्य जिन्होंने संस्कृति की ध्वजा फहराती रखी थी, और उन समय में शंकराचार्य के समय हिस्टोरिकल कुछ राज्य व्यवस्था देखेंगे तो गुप्त डायनेस्टी और विक्रमादित्य राजा उस समय थे। शंकराचार्य चार महान आचार्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, ये चारों आचार्य में शंकराचार्य विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनकी लिखी हुई पुस्तक आज भी फॉरेन एयरपोर्ट पर जो गए हुए हैं वहां पर उन्हें दिखाई देगी, शंकर फिलोसॉफी। वैदिक काल से चला आता हुआ मायावाद, उनका सुंदर उन्होंने विवरण करके पुस्तक के रूप में दिया हुआ, जिसके कारण वह मायावाद, वैदिक काल का मायावाद उनको विदेश में शंकर मायावाद नाम से ही जानते हैं। कैसी प्रखर बुद्धि होगी वहां के, विदेश के कई सारे वहां के तत्व चिंतक इनकी फिलोसॉफी पर नतमस्तक हो गए थे, यहां तक कि द्वैत और अद्वैत ये थोड़ी जिन्हें विशेष इनके जीवन में प्रसिद्धि का कारण जो था थोड़ा समझने का प्रयत्न भी करेंगे। द्वैत और अद्वैत, केवलाद्वैत, केवलाद्वैत में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जीवन विकास करते करते स्व जब खो जाता है वह उसको मिल जाता है, वही अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत और द्वैत ये दोनों का समन्वय किया हुआ। आदि शंकराचार्य की रचना देखेंगे तो शिवजी के भी रचना, उनके स्तोत्र भी बनाए हुए हैं, वेद सार शिवस्तव पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम गजेन्द्रस्य कृतिम वसानम वरेण्यम जटा जूट मध्ये स्फुरद गांगवारिम महादेवम एकम स्मरामी स्मरारिम। निर्विकल्प समाधि, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसका भी वर्णन किया हुआ स्तोत्र के द्वारा। वैसे ही द्वैत, मैं प्रभु आपसे अलग रहना चाहता हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, उनकी रचना में बहुत स्पष्ट है। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि न तमे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए क्योंकि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है, मुझे जिंदा मुक्ति चाहिए, ये गर्जना करने वाले शंकराचार्य। द्वैत और अद्वैत उनका समन्वय, हमारे रोज के जीवन का थोड़ा एक दृष्टांत देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अद्वैत में एग्जिस्टेंस और द्वैत में मिलन मधुरता। अष्टकम आठवीं सीढ़ी पर नवधा भक्ति में पहुंचे हुए, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे भगवान का बनना है, ये द्वैत है। और द्वैत में मिलन मधुरता, बहुत सुंदर, जिनको विशेष गहराई में जाना हो इनकी पुस्तक के द्वारा ये विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अभी शंकराचार्य का जीवन देखेंगे तो उनके महानता
अनोखा प्रभाव हिंदू फिलोसोफर ये चारों आचार्य हिंदू फिलोसॉफी के लिए ही घूमते थे। भक्ति का अर्थ सिर्फ बैठकर प्रभु को माला पहनाना, फूल चढ़ाना इतने तक ही सीमित नहीं, वहां से शुरुआत है। लोगों के पास उनके भीतर बैठे हुए कृष्ण को जगाना, राम को जगाना, ये कृति भक्ति इनके जीवन में एक गहने के समान। शंकराचार्य की भक्ति शांत सरिता जैसी नहीं थी, उछलती कूदती हुई भक्ति। हम गंगा का प्रवाह देखते हैं तो नीचे गंगा आने पर शांत पानी रहता है, लेकिन ऊपर में जाकर देखेंगे तो वह बेखड़ों से, पत्थर से कैसी खलखल करके बहती हुई गंगा जो स्वरूप है, वैसे इनकी भक्ति शंकराचार्य की नाचती कूदती आई हुई वैसी जीवन धारा लेकर जगह जगह घूमे हुए हैं। उन्होंने एग्जिस्टेंस, थोड़ा ये भी देख ले, बहुत ही महत्व का प्रश्न है, एग्जिस्टेंस जगत को असत्य नहीं ठहराया हुआ। जगत एक आभास है, जगत मिथ्या है, जिस रूप में देखते हैं वह उनका अद्वैत, केवल अद्वैत का सिद्धांत। गीता में भी इसका प्रमाण है, गीता में भी 15 अध्याय जिन्हें याद होगा तो बहुत सुंदर प्रयोग किया हुआ, पुरुषोत्तम योग ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। ये जगत कैसे बनाया हुआ, भगवान स्वयं कह रहे हैं पुरुषोत्तम, जगत अश्वत्थ बदलने वाला, पीपल के पत्ते जैसे रंग बदलते हैं वैसे जगत बदलते रहता है। और अव्यय, ये कब तक ऐसा चलते रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। पृथ्वी में से अन्न के दाने निकलते ही रहते हैं, 100 दाने किसान बोता है और 1000 दाने भीतर से पृथ्वी माँ के रूप में वापस देती है, ये कब तक चलते रहेगा अव्यय, इतना देने पर भी जो खत्म नहीं होता वह खजाना ये जगत का स्वरूप। पृथ्वी का गोला, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, ये कब तक चलते रहेगा, कब लॉन्च किया होगा ये प्लेनेट, ये जानकारी किसी के पास नहीं। अव्ययम घूमते रहता है, कौन घुमाता, घुमाने वाला दिखता नहीं है लेकिन एक व्यवस्थित रूप से घूमता है, इसलिए व्यवस्थापक होना ही चाहिए। जहां व्यवस्था है वहां व्यवस्थापक होता ही है, ये सामान्य मानव शास्त्र का नियम है। वैसे शंकराचार्य अद्वैत और द्वैत दोनों का समन्वय, जिसके कारण उस समय के विद्वान उनको बहुत ठेस पहुंचती है और वे कहते थे ये शंकराचार्य एक नहीं थे, 2-3-4 शंकराचार्य थे, क्योंकि एक ही शंकराचार्य के पास इतना सारा ज्ञान इतने सारे प्रमाण के साथ। उन्होंने 16 साल की उम्र में जो रचनाएं बनाई है, ब्रह्म सूत्र, आई गीता को हम भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहते हैं, उन्होंने भाष्य लिखे ब्रह्म सूत्र 16 वर्ष की आयु में, उपनिषद शंकर उपनिषद है, उपनिषद पर उनका भाष्य और गीता पर, गीता प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे हुए 16 साल की उम्र में। आज हम गीता के श्लोक पढ़ेंगे तो कितने सारे अनेक जन्म संसिद्ध, कितने जन्म लग जाएंगे, और ये 16 साल में उस पर भाष्य लिखा हुआ। तो हमारे शरीर का एक दृष्टांत देखेंगे, द्वैत और अद्वैत। शंकराचार्य ने सभी के सामने रखा, अद्वैत में द्वैत समाया हुआ। अद्वैत शब्द की रचना देखेंगे तो द्वैत के बिना अद्वैत पूरा ही नहीं होगा, ये स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये सिद्धांत। एक शरीर का उदाहरण देखेंगे, हमारे पैर में
कांटा लगता चुभ जाता है। कांटा चुभने के कारण आंख से पानी आंसू निकलते हैं और हाथ पैर से कांटा निकलने के लिए नीचे पहुंच जाता है। ये तीन अलग अलग विभाग हमारे शरीर के, एक पैर, एक आंख और एक हाथ, ये तीनों एक ही शरीर में कैसे अद्वैत एक होकर काम कर रहे, ये समझ में आ जाए तो आज के विश्व की सभी समस्याएं का अंत आ जाएगा, एक दूसरे के काम में आ जाओ, कठिनाई में, असुविधा में, जीवन के अप्रिय प्रसंगों में एक दूसरे की सहायता पर पहुंच जाए तो वह समाज कैसा होगा? ड्रीमलैंड, आर्य समाज, श्रेष्ठ समाज, वह रचना बन जाएगी। ये अद्वैत और द्वैत, शंकराचार्य कहते अद्वैत में ही द्वैत है। इनकी प्रभावशाली रचना और इनकी प्रभावशाली मंतव्य के सामने उस समय के सभी समाज के लोग उनके विरुद्ध खड़े हो गए और उनमें एक मुख्य, जिनका आज प्रसंग भी, जीवन प्रसंग भी देखेंगे, शंकराचार्य मूर्ति पूजा का रहस्य खोला होगा, मूर्ति पूजा के पुरस्कर्ता। और आज कई लोग समझते हैं शंकराचार्य यानी शिव के पुजारी है और मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे, आकार और निर्गुण निराकार, अरे गुण और आकार वाले, गुणाकार मानने वाले, ये दोनों एक ही है। शिव और कृष्ण, शिव और राम, इसमें भेद जब तक समझ में नहीं है तब तक हमारी भक्ति अधूरी है। जैसे घर में सेठ जी वस्त्र नहीं पहनकर बैठते हैं लेकिन ऑफिस जाते समय पीताम्बर आए, वैसे ही कृष्ण और राम पीताम्बर पहनकर और घर में बैठते समय निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव के समान वस्त्र उतार दिए हुए, एक पीताम्बर आया और दूसरा निर्गुण निराकार दिगंबर आया। ये महत्व का सिद्धांत शंकराचार्य के जीवन में होने के कारण कई उनके अनुयायी मूर्ति पूजा के लिए आज बहुत कम लोगों को ये भी पता नहीं होगा, लेकिन बद्रीनारायण की मूर्ति की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य, और वहां पर मूर्ति स्थापना करके बौद्ध भगवान बुद्ध अवतारवाद, वह उनके विचारों के अनुसार, विचार श्रेणी के अनुसार आकार और गुण वाले भगवान का अस्तित्व ही नहीं, मूर्ति पूजा नहीं मानने वाले, उनके विचारों को बद्रीनारायण में स्थापना करके शंकराचार्य ने भारत की सीमा से बाहर धकेल दिया। इवन भगवान बुद्ध के विचारधारा देखेंगे तो उनके ही अनुयायी, उनके जाने पर बौद्ध गया भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति खड़ी कर दी। मूर्ति तोड़ने का प्रयत्न 150 वर्ष हमारे भारत पर मुगल राज्य, ब्रिटिश राज्य रहा, लेकिन मूर्ति पूजा को खंडित कोई भी नहीं कर सके। आज ये विचारधारा हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी 3 वर्ष पहले ही वहां पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की है, गौरव है ये हमें। उस समय एक और आदि शंकराचार्य सन्यासी, हमारे 4 आश्रम, जीवन के 4 आश्रम, प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, मोक्ष की स्थिति। लेकिन इनकी अल्प आयु, 32 वर्ष की आयु में ही जीवन को संकेत लिया हुआ, हिमालय में कहीं पर जाकर उनका फिर पता ही नहीं चला। इतनी कम उम्र में इतना सारा कार्य करना, ये
दैवी अंश के द्वारा ही शक्य है ये। उनका एक और संन्यास, सन्यासी का गौरव बढ़ाया हुआ। आज सन्यासी को देखते ही प्राय सभी घर में, कह दो सेठ जी घर में नहीं है, वही स्थिति शंकराचार्य के समय में मंडन मिश्र, बहुत ही बड़े तत्व चिंतक, सन्यासी पर घृणा थी। सन्यासी का चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहता हूं। उनका शिष्य वाचस्पति मिश्र, वह भी उनके विचारों के साथ, सन्यासी कुछ काम नहीं करने वाला, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने वाला, लेकिन शंकराचार्य ने गौरव बढ़ाया हुआ। शंकराचार्य कहते यदि कुछ कर्म नहीं करता है तो वह सिर्फ सन्यासी, वस्त्र बदला हुआ, उसके भी आसक्ति संसार में चिपकी हुई है। एक अद्भुत रचना उमा महेश्वर स्तोत्र में शंकराचार्य ने लिखा होगा, नम शिवाभ्याम अत्यंत आसक्त रदम्बुजाभ्याम, संसार की विरक्ति, संसार असार है, संसार में कुछ नहीं रखा, उस कारण छोड़ने वाले वह प्रभु के दैवी मार्ग पर जाने पर, सन्यासी बनने पर उनकी वह आसक्ति बनी रहती है, जिसके कारण आज हम लोग कई न्यूज में, टीवी पर वैसे वैसे कांड देखते हैं। आदि शंकराचार्य संसार से विरक्ति होने के कारण नहीं, लेकिन प्रभु की आसक्ति इतनी बढ़ गई है, अत्यंत आसक्त रदम्बुजाभ्याम, उसके कारण सन्यासी बने हुए। कुछ न करने वाला सन्यासी गीता को मान्य नहीं है, सन्यासः कर्म योगस्यः। सांसारिक व्यक्ति फल के लिए दौड़ता है, लेकिन सन्यासी जो है, मैं काम करूंगा और प्रभु को फल मिलेगा, उसके लिए घूमने वाला सन्यासी। और सांसारिक व्यक्ति, प्रभु आप काम करिए और फल मुझे दीजिए, ये दोनों ही बहुत सुंदर अंतर जो समझ में आ जाए तो सन्यासी की कितनी ऊंचाई है। वह सन्यास आश्रम मंडन मिश्र के घर में मिलने के लिए गए हुए, क्योंकि ये तो महल में भी और झोपड़ी में सभी जगह प्रभु की गर्जना लेकर दौड़ने वाले सन्यासी थे, और वहां पर बाहर दरवाजे पर पहरेदार ने रोक दिया हुआ, आपको किससे मिलना है? मुझे मंडन मिश्र से मिलना है। भीतर में जाकर पहरेदार मंडन मिश्र के पास कहते हैं, एक सन्यासी आपसे मिलने आए हुए, अत्यंत आवेश में आकर मंडन मिश्र कहते हैं, मुझे नहीं मिलना है, उनको कह दो अभी पूजा में बैठे हुए ताकि वो चला जाए। लेकिन ये तो जाने वाले नहीं थे। शंकराचार्य उनके पास अष्ट सिद्धि की एक सिद्धि का प्रयोग किया हुआ, लगीमा महिमा, लगीमा अष्ट सिद्धि, उनसे लगीमा छोटे हो गए, और वहां भीतर जाते हुए एक पुजारी के कमंडल में छोटा स्वरूप लेकर भीतर चले गए और मंडन मिश्र के सामने खड़े हो गए। दोनों के बीच औपचारिक कुछ बातें होती है और अंत में ये निर्णय पर दोनों ही मत देते हैं, शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ का अर्थ उस समय शास्त्र के अर्थ बुद्धि के द्वारा समझना और सत्य हो तो स्वीकार लेना, ये शास्त्र प्रतिस्पर्धी स्पर्धा करने वाले को पराजित करना, यही शास्त्र का अर्थ नहीं है। दोनों को सत्य की दौड़ है, सत्य समझने की दौड़ है, और शास्त्र दोनों के बीच तय हुआ, मैं सन्यासी की ओर देखना भी नहीं चाहता, ये घृणा निकालने के लिए शंकराचार्य दोनों के बीच तय हुआ, साथ करेंगे, अभी निर्णय कौन करेगा, जज कौन बनेगा? और जज बनने के लिए मंडन मिश्र
उनकी पत्नी वह भी बहुत विद्वान थी, उनको संकेत किया हुआ। अभी प्रतिस्पर्धी की पत्नी निर्णय करे तो अपने पति के विरुद्ध कैसे कर सकती है, लेकिन शंकराचार्य भारतीय नारी पर इतना विश्वास था कि वह सत्य के पथ पर ही जाएगी। अपने पति यदि गलत रास्ते पर हो तो वह उसे जाने से अवश्य ही रोकेगी, असत्य ही ठहराएगी। दूसरा एक कारण भी था, महत्व का कारण, शर्त रखी गई, नियुक्त कही गई। अभी क्या करना, जो जीतेगा और जिसकी पराजय होगी। शंकराचार्य यदि विजयी होते हैं तो मंडन मिश्र गृहस्थी जीवन घर छोड़कर सन्यासी शंकराचार्य के साथ उनके कार्य में साथी बन जाएंगे, और यदि मंडन मिश्र साथ साथ में उनकी विजय होती है तब शंकराचार्य मैं ये वस्त्र, भगवा वस्त्र छोड़कर गृहस्थी बन जाऊंगा। कैसी कठोर शर्त, और इन दोनों का निर्णय देना। अभी पत्नी के पास एक बहुत बड़ी विडंबना, यदि शंकराचार्य को विजित घोषित करती है तो अपना घर संसार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पति उनके साथ सन्यासी बनकर निकल जाएंगे। और सत्य को वह कैसे टुकरा सकती है, ये शंकराचार्य को स्त्री यानी भारतीय नारी पर इतना विश्वास था। आज खोखली भाषा बोलने वाले, वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी की घोषणा करने वाले, उनके लिए संदेश है। इसलिए नारी जाति से घृणा करके शंकराचार्य ने गृहस्थाश्रम स्वीकारा नहीं था, वह सत्य नहीं है। भारतीय नारी पर अत्यंत विश्वास था, और अंत में जैसे होना ही था, शंकराचार्य विजयी हुए और सन्यास के प्रति मंडन मिश्र सन्यासी का जीवन ही समझ गए। सन्यास का अर्थ सन्यास, प्रभु के साथ न्यास करने वाले, घूमते हैं सन्यासी, दौड़ते हैं, कर्म करते हैं और कर्म का फल प्रभु को अर्पण करने के लिए कर्म करते हैं। गीता में बहुत सुंदर इसका परिचय दिया हुआ। कृष्ण भी सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, 16108 रानियां होते हुए भी, ये भागवत में वर्णन किया हुआ, वैसे सन्यासी। आज ये सन्यासी भगवा वस्त्र, बलिदान, त्याग और शौर्य, संसार छोड़ना शूरवीरों का काम है, भीतर की व्यवस्था कहते हैं। बाहर के शत्रु को जीतने वाले को वीर कहते हैं, लेकिन भीतर के शत्रुओं को जिसने जीत लिया वो महावीर। जैन धर्म में भी महावीर का पूजन, हमारी भारतीय संस्कृति की ऊंचाई है ये, ऐसी सोच फ्राइड नाम के तत्व चिंतक, उन्होंने भी बहुत सराहना की है। विदेशी पुस्तक में उनकी रचना पढ़ेंगे तब गौरव हो जाएगा कि हमारा भारत का खजाना, उनकी कितनी ऊंचाई है। आयुवा भूमिका के साथ 10 मठ स्थापित किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया भारत का, और उनमें से 4 का नाम यहाँ पर उल्लेख करूंगा। मुख्य मठ द्वारका में, गुजरात में, वेस्टर्न इंडिया। दूसरा मठ उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, श्रृंगेरी। तीसरी व्यवस्था उनकी जगन्नाथपुरी। आज यात्रा करने हम लोग जाते हैं, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ जगत के नाथ जहाँ पर है वहाँ पर। और चौथा स्थान बद्रिकाश्रम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, चारों मुख्य मठ है, और जहाँ पर शंकराचार्य के विचारों के अनुसार, उनकी जीवन श्रेणी जो विचारों की श्रेणी थी उनके अनुसार कार्य चल रहा है। ऐसे अलग अलग जगह पर मठ स्थापित किए हुए,
और उनका एक महान शिष्य अभी शंकराचार्य के गुरु का नाम भी दिया हुआ गोविंद भगवत पद उनके गुरु थे, जिनसे कम उम्र में इनके पास 16 वर्ष की उम्र में जो लिखने वाले हो ब्रह्म सूत्र उनके पास गए थे, जिसके नाम से आज गौड़ संप्रदाय सन्यासियों का संप्रदाय है। शंकराचार्य का एक अत्यंत नजदीक का शिष्य, उनका भी थोड़ा देख ले प्रसंग, उसका नाम था सनंदन। सनंदन और शंकराचार्य एक नदी के एक किनारे पर आदि शंकराचार्य प्रभु का कार्य कर रहे थे, लोगों में प्रभु को जगाना, उनको दैवी पथ दिखाना, वही प्रभु की पूजा। और सामने नदी के किनारे सनंदन को कहा हुआ, तू वहां जाकर ये प्रभु कार्य की ज्योत लेकर घूमने लग जा। एक दिन अचानक आदि शंकराचार्य सामने किनारे से सनंदन को बुलाते, सनंदन इस किनारे आ जा मेरे पास। अब यह सनंदन घबराए हुए, क्या करें, नदी में बाढ़ तैर कर जाना संभव नहीं और कोई नाविक भी नहीं है जो सामने ले जाए। इस स्थिति में सनंदन सोच में पड़ गया, अभी करे क्या, गुरु का बुलावा, जाना ही चाहिए। सोच के उनको दिमाग में ये स्फुरण हुआ, मेरे गुरु को भी तो ये पता है, सामने किनारे खड़े हुए, नदी में बाढ़ है, नाविक नहीं है और फिर भी बुला रहे हैं, तो अवश्य ही वह जानते हैं कि कठिन है और फिर भी बुलाते हैं, तो वह समझकर नदी गए हुए हैं और वहां पर पैरों से चलना शुरू किया हुआ। जैसे जैसे पैर रखते गए, वहां पानी में से एक एक फूल उनके पैरों के नीचे आते गया, और जिसके कारण पद्मपाद आचार्य वह टाइटल आदि शंकराचार्य ने सनंदन का नाम पद्मपाद आचार्य, यह आश्चर्य जरक घटना है लेकिन सत्य ही है। ऐसे महापुरुषों के पास ऐसी सिद्धि होती है, लेकिन वो इस्तेमाल जीवन विकास के लिए करते हैं। ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हुए आदि शंकराचार्य, इनकी कुछ रचनाएं भी देखेंगे और एक आवश्यक एक और रिफॉर्म करके गए हुए पंचायतन पूजा। आज हम भारतीय पूजा के स्थान पर देखते हैं तो एक ही देव का पूजन होना चाहिए, लेकिन पंचदेव का पूजन ये रिफॉर्म प्राय सभी घरों में देखते हैं। पांच देव की स्थापना की जाती है, पांचों देव का पूजन किया जाता है। अब ये पंचायतन पूजा शुरू करने वाले आदि शंकराचार्य, पांच अलग अलग देवों की पूजा करने वाले को इकट्ठा किया हुआ, ये सबको इकट्ठा करना, एक विचार एक उचार और एक आचार, ये तीन जहां पर इकट्ठे होते हैं वहां पर नारायण खड़े हो जाते हैं, नारायण की शक्ति आ जाती, यूनिशन यूनिटी। ये पंच देवता, इनका नाम भी बहुत सुंदर दिया हुआ है, गणपति शिव हरि भास्कर अम्बा, ये पांच देवों को साथ में पूजन करो। समाज में गए हुए कोई गणपति के पुजारी है, हम भी गणपति के पुजारी हैं, शिव जी के पुत्र हैं और गणपति के पेट पर ओम लिखा हुआ, ओम गणपते नमः, वैसे विचारधारा लेकर सभी के साथ शिव जी की पूजा करने वाले उनके पास गए हुए। विष्णु को नहीं मानते और विष्णु पुजारी शिव शब्द नहीं बोलते, आज ये विडम्बना ही है दोनों देव की, दोनों के पास गए हुए। शिव जी के गले में सर्प है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, तो विष्णु कृष्ण बनकर गेंद खेलते खेलते वहां पर नाग के ऊपर नाचते हुए कृष्ण बाहर आए हुए। ये दोनों में समानता दिखाई है और दोनों समाज के लोगों को इकट्ठा किया हुआ। वैसे ही
भास्कर सूर्य के पुजारी एक वर्ग है। आज दिवाली के बाद बहुत बड़ा उत्सव सूर्य के नमस्कार का उत्सव, छठे दिन विशेष रूप से बिहार में, उत्तराखंड में, वहां पर सूर्य का सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य ये कर्मयोग, सूर्य के उपासक उनके पास गए हुए हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ नारायण का ही स्वरूप है और अम्बा शक्ति का स्वरूप, शक्ति रूपेण संस्थिता। ये पांच देवों को अलग अलग भक्ति के रहस्य के साथ समझाया हुआ। ये पांचों गुण आवश्यक है। ये पांच देव गणपति बुद्धि, शिव जी ज्ञान, साधक के पास बुद्धि चाहिए, अत्यंत बुद्धिमान है वह, जीवन को जिसने समझ दिया हुआ, आजीविका प्रोफेशनल लाइफ को ही अंतिम सत्य मानते हुए, लेकिन जिसने जीवन को समझ लिया वही बुद्धिमान गुण बताया हुआ। इसलिए गणपति बुद्धि, शिव ज्ञान, विष्णु वैभव, लक्ष्मी के साथ ही आते लक्ष्मी नारायण वैभव, सूर्य तेज तेजस्वी जीवन, और अम्बा शक्ति, शक्ति रूपेण संस्थिता, और शक्तिमान प्रभु की शक्ति उसके साथ आ जाती है। ये पंच गुण और छठे देव अपने इष्ट देव कोई भी रूप में मान लो। हमारी भारत की विचारधारा इतनी ऊंचाई पर है, जिसके पास ये गुण हो वह सभी को आराध्य देव के रूप में पूजा कर सकते हो। इसलिए छठे देव पंचायतन पूजा ये रिफॉर्म लाने वाले आदि शंकराचार्य, सभी वर्ण के लोगों को इकट्ठा किया हुआ, और सभी वर्ण के देवता हमारे मंदिर में सभी वर्ण के देव उसके स्थापित किए हुए, ऐके खड़ा हो जाए ये करने वाले पंचायतन पूजा। संक्षेप में आज का समय की मर्यादा देखते हुए आदि शंकराचार्य की रचना भी देखेंगे। एक एक रचना में अद्भुत भक्ति का रहस्य समझाया हुआ। हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारे भारतीय ऊंचाई, भारतीय खजाना में जो ये रहस्य भरा हुआ है वो यदि विश्व के पास ले जाए तो इससे बड़ा और कोई भी कृष्ण का राम का पूजन नहीं हो सकता है। विस्तृत कृष्ण और राम इसलिए भारत में आए थे, भारतीयों पर विश्वास था, और ऐसे महान आचार्य को भी भेजते हैं, खड़ा करो उनको, व्यापक करो, भक्ति को मंदिर से बाहर ले जाओ, बाहर में भी वही राधा कृष्ण को देखने लग जाओ, सीताराम को देखने लग जाओ, वह करने वाले आदि शंकराचार्य, इनकी रचना में ये भक्ति की ऊंचाई देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। तो कुछ रचनाएं का यहाँ पर संक्षेप में देख लें। एक रचना जो अभी पढ़ रहे थे श्री कृष्णाष्टकम, वैसे एक और अद्भुत रचना है कृष्णाष्टकम। ये कृष्णाष्टकम की रचना के पीछे बहुत सुंदर प्रसंग है शंकराचार्य के जीवन का। ये फिर से रिपीट करके कह रहा हूं, ये रचनाएं सब कवि जैसे बैठकर लिखता है ट्रायल एंड एरर, वैसी रचना नहीं है। इनके प्रभु का चिंतन करके प्रभु का स्वरूप सामने आ जाता है और उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वही है स्तोत्र। स्तोत्र में शिकायत नहीं है और मांग नहीं है, नो कंप्लेन, सत्य का वर्णन वह स्तोत्र। कृष्णाष्टकम की रचना करते हुए शंकराचार्य माताजी का देहांत हुआ और अंतिम क्रिया के लिए ब्राह्मणों को बुलाने गए हुए हैं। निम्बुद्धिपराद ब्राह्मण इतने प्रभावी, वह ब्राह्मण ने इनकार कर दिया हुआ, हम नहीं आएंगे, प्रोफेशनल ब्राह्मण नहीं थे, दक्षिणा के लिए घूमने वाले ब्राह्मण नहीं थे वो, क्योंकि शंकराचार्य आपने ये वर्ण व्यवस्था का भंग किया हुआ, ब्रह्मचर्य आश्रम से आप सीधे संन्यास आश्रम पर गए हुए, बीच के दो आश्रम गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये दोनों को आपने छोड़ दिया हुआ, इसलिए आपके घर हम नहीं आएंगे,
अंतिम संस्कार के लिए। उस समय विष्णु का स्मरण करते हुए कृष्णाष्टकम की रचना की। यतिवर निकटे श्री युक्त आविर्बभूवा मात्र मोक्षार्थम आद्य। हे भगवान, आप ही इस समस्या का समाधान करिए, मेरी माता का अंतिम संस्कार के लिए। और सुंदर रचना है, एक एक शब्द अलंकारों से भरा हुआ। गोविंदाष्टकम सत्यम ज्ञानम अनंतम परमाकाशम, बहुत सुंदर रचना। गोविंद रूप का वर्णन उस रचना में किया हुआ है। वैसे अत्यंत पांडुरंगाष्टकम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम, महायोग पीठे तटे भीमरत्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रय, समागत्य तिष्ठन्तम आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। पांडुरंग स्वरूप विष्णु का ही स्वरूप है, मिलने जाते हैं अपने महान भक्त पुंडरीक को। भक्त को मिलने जा भगवान जाते उसे महायोग पीठ, भक्त भगवान को मिले जाते उसे योग पीठ कहते हैं, और ये महायोग पीठ ऋषियों को लेकर गए हुए। चलो मेरे अनोखे भक्त को देखो, और वहां पर पुंडरीक पांडुरंग भगवान का स्वरूप, आज भी जो गए हुए हैं भीमा तट पर, उनको ये स्वरूप बहुत ही अनोखा ही स्वरूप है विष्णु का। खड़ा कर दिए भगवान, अब यू वेट, मैं भी बिजी हूं, ये कहने वाले पुंडरीक और पत्थर फेंका हुआ। भगवान, इस पत्थर पर आप थोड़ा समय के लिए प्रतीक्षा करिए। और वहां पर कमर पर हाथ रखकर पांडुरंग भगवान बैठे हुए हैं, उसका वर्णन करने वाले रचना पांडुरंगाष्टकम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। मुनि को साथ लेकर गए हुए पांडुरंग भगवान, मेरा ये अनोखा भक्त, सब भक्त मुझसे मांगते हैं और इसे मैं देने के लिए आप मेरे साथ आइए। हमारे घर में भी दुर्गा पूजा आदि पूजा के समय में कई लोग चंदा लेने आते, तो कई लोग साथ में आते, अकेले को इनकार कर देंगे, इसलिए कई साथ में मिलकर आते, सभी कहो चंदा लेकर ही जाएंगे। यहाँ पर कुछ अलग ही प्रयोग है पांडुरंग भगवान का, मैं देना चाहता हूं, वह नहीं लेगा तो मेरी कौन सी स्थिति हो जाएगी, आप मेरे साथ चलिए, ये लिखा हुआ। अब सब साथ में मिलकर उनको कुछ देने जाते हैं, इनका वर्णन पांडुरंगाष्टकम भवानी अष्टकम, माँ भवानी के भी रचना किए उन्होंने। बहुत गतिस्तन गतिस्तम तुमेका भवानी, मेरे पैरों में गति जो है वो माँ तुझ तक पहुंचने के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूं, वैसा मुझे आशीर्वाद दे। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चा नले पर्वते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य, बहुत सुंदर रचना। शाब्दिक अलंकार का भी विशिष्ट प्रयोग है भवानी अष्टकम, क्योंकि माँ के भी पुजारी है। तत्व मूल तत्व एक ही है, किसी भी रूप में उनको पूजन कर लो, ये सभी का यहाँ पर समन्वय वही आदि शंकराचार्य। इनके कई कुछ नाम लेकर आज पूरा करेंगे। वैसे ही धन्याष्टकम कौपिन पंचकम, जिसको गाना भी कठिन है, वैसी रचना है। और शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम, शिव के सामने हमारे किए हुए अपराधों की क्षमा कैसे मांगनी, वह उनकी रचना के द्वारा बताया हुआ। टकोर की है, आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षय यौवनम प्रत्यायांतिगता पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चले जीवितम तस्मान माम शरणागत भज भय श्री पार्वती वल्लभम। शिव प्रार्थ क्षमापन, तेरे जीवन के पन्ने रोज कम होते जा रहे हैं, कैलेंडर में हम लोग रोज डेट बदलते हैं, पन्ना फाड़ते हैं, वैसे तेरे जीवन के भी एक एक दिन तुझे एग्जिट के नजदीक ले जा रहे हैं, सावधान हो जा। शिव अपराध क्षमापन, आज कुछ नहीं किया अपराधी है, शिव अपराध। वैसे देवी अपराध,
माँ के सामने अपराधों की क्षमा कैसे मांगना, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि चन जाने स्तुति में हो। बहुत सुंदर शब्दिक प्रयोग भी किया हुआ। वैसे एक और भी अंतिम देख लें जो अत्यंत लोकप्रिय रचना, चरपट पंजिका स्तोत्रम दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय प्राय हम ही सब भज गोविंदम मूढ़मते एक शब यात्रा को देखकर अपने विद्यार्थी वृंद के साथ आदि शंकराचार्य जाते हैं और वहां पर नहीं नहीं रक्षति डुक्रई करणे। और सुंदर वहां पर आदि शंकराचार्य के एक विशिष्ट चाबुक मारने वाला स्वरूप है। तो दो एक संक्षेप में उनकी पंक्तियां देखेंगे। उनकी एक चरपट पंजिका के एक भाग में उन्होंने लिखा हुआ है बहुत सुंदर, पुनरपि रजनी, पुनरपि दिवस, पुनरपि पक्ष, पुनरपि मास, पुनरपयनम, पुनरपि वर्षम, तदपि न मुंच त्यासा अमर्षम। एक एक दिन तेरे रोज निकलते जाते हैं लेकिन अभी तक तेरी आशा नहीं छूटी है। आशा मैं युवान दिखूं आशा में बैठे हुए, अमर्षम ईर्ष्या अभी तक छूटी नहीं है। बड़ों की ईर्ष्या करना, उसे गिराना, छोटा करना, नेगेटिव आउटलुक शंकराचार्य। और भी बहुत सुंदर इनकी रचना देखकर पूरा करेंगे। रचना की लाइन है, अंगम गलितम बलितम मुंडम दर्शन विहीन जातन तुंडम। बहुत सुंदर, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंच त्यासा पिंडम। शरीर गलितम गल गया हुआ वृद्धावस्था, बलितम ऊपर में बाल निकल गए, दांत निकल गए, दर्शन विहीनम हमारे बाहर में 10 दांत दिखते हैं, 5 ऊपर के 5 नीचे के, 10 दांत निकल गए, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, दंड लेकर घूम रहा है फिर भी आशा नहीं छूटी है। भोगों की आशा, प्रभु की आशा जो हो जाए, प्रभु का बन जाऊं वैसी आशा जब तक नहीं होती है तब तक ये चरपट पंजिका बहुत सुंदर एक एक शब्द में फटकार दी है। तू समझता है इस जगत चलाने वाले निर्माता जो है वह नहीं समझते तेरी बात क्या, वो भोले नहीं है, वो भोले नाथ है, भोले जो बने हुए उनके नाथ है। कब करेगा तू भज गोविंदम कब करेगा, बालस्तावत क्रिया सक्त है, तरुणस्तावत तरुणी सक्त है, वृद्धस्तावत चिंता मग्न, पर ब्रह्मणी कोपी ने लग्न, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये रचना देने का बाल्य काल खेल में चला गया, यवन तरुणी के साथ और वृद्धावस्था में चिंता, चिंता में मग्न, चिंता ही कर रहा मेरे जाने के बाद क्या हो रहा है, तेरा अभी क्या हो रहा है ये देखने लग गया। वृद्ध स्थाव चिंता मग्न, पर ब्रह्मणी कोपी न लग, लेकिन ब्रह्म में साथ जीवन को जुड़ा ही नहीं, अभी शुरुआत कर भज गोविंदम। ऐसी मधुर रचना बनाने वाले आदि शंकराचार्य उनका स्मरण करना आज इनकी जन्म बर्थ एनिवर्सरी पर, यही इन महान आचार्य हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड अंबर से पैगाम लेकर आने वाले, ऐसी मधुर रचना हमें जागृत करने वाली रचना आज के दिन याद करना है। और अगले वर्ष शंकराचार्य जयंती के दिवस इनकी रचना के द्वारा हमारे जीवन को जोड़ना है, यही आचरण, यही आचार्य आर्य आचरण, हमारा आचरण श्रेष्ठ बन जाए इस भूमिका के साथ आज यही समाप्ति करेंगे। इस महान आचार्य के लिए समुद्र के समान, हिमालय के समान उनका ज्ञान था और भाव सागर के समान, भाव सागर भाव इतनी गहराई थी उनकी। इस आचार्य मेरे एक एक रचना में कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम, ये उनकी रचना के द्वारा थोड़ा भी समझ लें तो हमारे भी सच्चे अर्थ में हमारी भक्ति की शुरुआत हो गई है। तो आज उनकी रचना का प्रथम शुरुआत में गाया था वह 4 पंक्तियां फिर से गाएंगे, शब्द का अलंकार भी है।
भजे व्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम। साथ में गाते जाइए। भजे व्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चित रंजनम सदैव नंदनम। सुपिच्छ गुच्च मस्तकम सुनाद भेरु हस्तकम। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम। नमामि कृष्णनागरम। आइए ही समाप्ति करेंगे। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके कि हमारा भारतीय ज्ञान का भंडार जो है वो आज के फ्यूचर सिटीजन के पास कौन ले जाएगा, यही कृष्ण की पूजा है। आज हिस्ट्री में वहाँ पर स्कूल में कॉलेज में वहाँ पर मुगल एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर ये हिस्ट्री आती है, लेकिन ऐसे महान खजाना जो भरा हुआ कौन निकालेगा, ऐसे आचार्य को सामने कौन लाएगा, इसके लिए कुछ सोच कर कुछ करने लग जाए। वही शंकराचार्य, वही उनकी जयंती उत्सव सच्चे अर्थ में। आज यही समाप्ति करेंगे साथ में ही। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूर मदनम। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण जय विष्णु।